निधि, तो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ रेक्टिलिनियर फिगर का सेकेंड एक्सरसाइज जो कि है 14B, जिसमें हम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सम्स को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने क्वाड्रिलेटरल जितना भी आपके बुक में गिवन है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम, वो सारे की प्रॉपर्टी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया है। तो सभी बच्चे पहले जाके उस वीडियो को देख लो, उसके बाद एक्सरसाइज 14B में प्रोसीड करो, बिकॉज उसमें सारी शेप की हर एक फिगर की प्रॉपर्टी को डिटेल में बताया गया है, किसमें क्या डिफरेंस है सबको समझाया गया है। बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो है, तो अगर आप उसे स्किप करोगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज में आओगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होने वाला, बिकॉज सारी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज होने वाला है। पहला ही जो 14B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, उसी में देखो सारी शेप की प्रॉपर्टीज को लेके क्वेश्चन है, तो पहले उसे देख लो उसके बाद ही एक्सरसाइज को हाथ लगाओ, बिकॉज मैं फिर से सारी प्रॉपर्टीज को रिपीट नहीं करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज 14B। पहला है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का पहला क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। फटाक से आंसर बताओ क्या होने वाला है, बिकॉज मैंने प्रॉपर्टीज में हर एक शेप की प्रॉपर्टी में सारे डाउट को क्लियर किया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ट्रू होगा। हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, बट 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करता, यानी नंबर वन क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू। नेक्स्ट वन का पार्ट टू क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो यहाँ क्वाड्रिलेटरल मेंशन है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब सब कुछ आ गया आप में, इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम सब आ गया। तो बताओ क्या क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम का करता है, रोम्बस का करता है, स्क्वायर का करता है, रेक्टेंगल का करता है, बट ट्रेपीजियम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता। दैट मींस ये वाला क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि सारी शेप का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहा। तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है, तो फॉल्स होगा। दो ही फिगर था जिसका डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट कर रहा था, पहला रोम्बस दूसरा स्क्वायर, तो ये वाला क्या होगा बच्चों, फॉल्स। तो देखो हर एक जगह आपका प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, इसलिए फटाक से जाओ और उस वीडियो को पहले देख लो। नेक्स्ट क्या है, ईच डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट। रोम्बस का जो डायगोनल है वो उसे दो पार्ट में बाइसेक्ट करता है, मतलब कहने का मतलब जो रोम्बस है उसका डायगोनल उसे दो इक्वल ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करता है, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। हमने पढ़ा था कि रोम्बस का जो डायगोनल है उसे चार कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो ट्रू ही होगा, पहला डायगोनल दो में करेगा और दूसरा डायगोनल दो में करेगा। तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरा बोल रही हूं सॉरी नंबर 5, द क्वाड्रिलेटरल्स हुज फोर साइड आर इक्वल इज अ स्क्वायर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल हो उसे हम स्क्वायर बोलेंगे। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि स्क्वायर का भी चारों साइड इक्वल होता है और रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल हो उसे आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, बिकॉज स्क्वायर में एक और क्राइटेरिया जुड़ जाता है, वो क्या है, चारों साइड इक्वल तो होगा बट हर एक एंगल 90 भी होगा। आपको ऐसा नहीं बोला, आपको सिर्फ क्या बोला गया कि चारों साइड इक्वल है, तो आप उसे स्क्वायर नहीं बोल सकते, उसे आप रोम्बस बोलोगे, यानी ये आपका क्या हो जाएगा नंबर 5, फॉल्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है नंबर 6 में, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने बताया था कि सारा स्क्वायर पैरेललोग्राम है, सारा रोम्बस पैरेललोग्राम है, सारा रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, तो सारा रोम्बस पैरेललोग्राम है, हां जी है, तो नंबर 6 क्या होगा बच्चों, ट्रू। नेक्स्ट नंबर 7 जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सारा पैरेललोग्राम रोम्बस है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, तो सारा पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी आता है और रेक्टेंगल और रोम्बस का बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, तो सारा पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा नंबर 7 है ना, हाँ फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 8 क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। नहीं, रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, बट इक्वल नहीं होता, तो क्या होगा बच्चों, फॉल्स। नंबर 9 क्या है, इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज अ रोम्बस। अगर उसका दो एडजेसेंट साइड कहने का मतलब है ये वाला और ये वाला, अगर ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ये साइड और ये साइड बराबर है,
तो क्या वो रॉम्बस होगा? तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि वो स्क्वायर भी तो हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर में भी तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होता है, और पैरेललोग्राम में तो बच्चों ये भी बराबर होगा और ये चारों ही बराबर हो गया, तो ये स्क्वायर भी तो हो सकता है, बट स्क्वायर नहीं बोलेंगे, बिकॉज स्क्वायर में एक और क्राइटेरिया आता है कि हर एक एंगल 90 होना चाहिए। यहां अपने को वो नहीं गिवन है, अपने को सिर्फ बोला है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो वो रॉम्बस होगा, तो वो ट्रू होगा। क्लियर? नंबर 9 क्या होगा बच्चों? ट्रू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 10 क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो आप बोलोगे हाँ, स्क्वायर का तो जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है, बट स्क्वायर में एक और क्राइटेरिया है बच्चों। 90 पे तो बाइसेक्ट करता है, बट डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन है कि डायगोनल्स इक्वल है, आपको सिर्फ बोला गया कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसका डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो आपका रॉम्बस होगा, क्योंकि मुझे ये बात मेंशन नहीं है कि डायगोनल इक्वल है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन में रहता कि डायगोनल इक्वल भी है और 90 पे बाइसेक्ट भी कर रहा है, तब मैं बोलती कि वो स्क्वायर है, बट सिर्फ गिवन है डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? रॉम्बस की। तो वो क्या होगा? रॉम्बस। और आपको क्या बोला गया? स्क्वायर। यानी क्या होगा? नंबर 10 फॉल्स। क्लियर हुआ ट्रू एंड फॉल्स? तो इसके लिए क्या पता होनी चाहिए? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी कैसे जानोगे? उसके लिए वीडियो है, तो जाओ और फटाक से वीडियो को देख लो। अब देखो नेक्स्ट नंबर 2। देखो नंबर 2, नंबर 2 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इन अ फिगर गिवन बिलो AM bisects angle A and DM bisects angle D of a parallelogram. That means ABCD आपका एक parallelogram है, जिसमें AM जो है वो एंगल A को bisect कर रहा है। bisect कर रहा है कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। सिमिलरली DM जो है वो एंगल D को bisect कर रहा है। That means ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। आपको प्रूफ करना है एंगल AMD, ये वाला एंगल AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, बिकॉज प्रॉपर्टी का ही यहाँ पे यूज होगा। क्या सिखाया था मैंने पैरेललोग्राम जब मैं पढ़ा रही थी? कि इनका जो को इंटीरियर एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री होगा। और कैसे होगा वो भी बताया था। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेललोग्राम में तो AB और DC आपस में पैरेलल है और AD एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे? एंगल A प्लस, लिख लेना पहले, AB CD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। क्लियर? अभी आपको बोला गया है कि AM और DM बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब अगर ये पूरा ए है तो इसे मैं ए बाई टू बोल सकती हूँ, और ये पूरा डी है तो उसे मैं डी बाई टू बोल सकती हूँ। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ टू से डिवाइड करेंगे। इस तरफ अगर टू से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डू आ गया, और इसे टू से डिवाइड करोगे तो 180 को टू से डिवाइड करोगे तो 90, यानी एंगल ए बाई टू प्लस एंगल डी बाई टू कितना आ गया? 90 डिग्री। क्लियर? यहां तक हमने निकाल लिया, समझ में आया कैसे किया? अब आपको प्रूफ करना है एएमडी, एएमडी को 90 प्रूफ करना है। एएमडी के लिए किस ट्रायंगल में आएंगे? इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल एएमडी। अगर मैं एएमडी की बात करूं तो इसमें कौन कौन सा एंगल है? मैंने बताया इसे हम कहेंगे ए बाय टू, इसे हम कहेंगे डी बाय टू, और ये है आपका एएमडी। ये तीनों एंगल है इस ट्रायंगल में। पहला है ए बाय टू, दूसरा है डी बाय टू, और तीसरा एंगल है बच्चों AMD। और हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 180। आप देखो ये हमने फाइंड आउट कर लिया 90, बस इसके प्लेस में लिख दो 90 प्लस एंगल AMD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सोच क्या रहे हो? हो गया सम, ये 90 प्लस में इधर जाएगा माइनस में। AMD इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या है। इन अ फॉलोइंग फिगर, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। AE एंड BC आर इक्वल, AE और BC आपस में इक्वल है और पैरेलल है। क्लियर? दैट मींस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, एंड थ्री साइड AB, ED एंड CE आर आल्सो इक्वल। ठीक है, AB
सी डी और डी ई आपस में इक्वल गिवन है, आपको एक और चीज गिवन है, एंगल ए मुझे गिवन है 102 डिग्री, आपको फाइंड आउट करने बोला गया है एंगल ए ई सी ये वाला एंगल, और नेक्स्ट फाइंड आउट करने बोला गया है बी सी डी। क्लियर? ए ई सी के लिए आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी ना आपका ए ई सी ये वाला एंगल फाइंड आउट होगा। क्लियर? अब देखो, जब मैंने ज्वाइन कर दिया ई सी को, तो बी सी ई ए मेरा क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चार साइड है इसमें, ये क्या बन गया मेरा, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो सबसे पहले लिखो ज्वाइन ई सी। नेक्स्ट, अब आप क्या लिखोगे, देयरफोर ए बी सी ई इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल तो हो गया, बट ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा बच्चों, पैरेललोग्राम। कैसे पैरेललोग्राम होगा, तो मैंने जब मैं प्रूविंग करा रही थी, फर्स्ट वीडियो जब मैंने इस पे कराया था, जब मैं सारे फिगर की प्रॉपर्टीज करा रही थी, तो उसमें मैंने बताया भी था कि आपको कैसे, आप किस क्वाड्रिलेटरल को कौन सा स्पेसिफिक फिगर प्रूव करोगे। तो मैंने क्या बोला था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता, उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। और ये मेरा क्वेश्चन में गिवन था कि AE और BC आपस में पैरेलल भी है और AE और BC आपस में इक्वल भी है। अगेन AE पैरेलल BC एंड AE इक्वल BC, यानी ये इंप्लाई करेगा ABCE इज अ पैरेललोग्राम। बस हो गया सम आपका। कैसे हो गया, बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा दो। हमने क्या सीखा था कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है, और कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होता है। आपको ए ई सी चाहिए, यानी ये दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 180, वहां से फाइंड आउट कर लोगे आप एंगल ए ई सी प्लस एंगल बी ए ई 180 डिग्री, और मुझे पता है बी ए ई कितना है 102, तो एंगल ए ई सी कैसे निकालोगे, 180 माइनस 102 डिग्री, दैट मींस 78 डिग्री। क्लियर? दूसरा मुझे निकालना है बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी निकालने के लिए आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस कर दो। सबसे पहले आते इस पे, तो अगर ये 102 है तो ये भी 102 होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। एंगल बी सॉरी ईसीबी, ECB is equal to angle BAE is equal to 102 degree. Clear? ये हो गया 102. ये हमने 102 निकाल लिया, इसे कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट को कैसे निकालेंगे, तो देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन था AB, ED और DC आपस में इक्वल है। क्लियर? ये तीनों आपस में इक्वल है, और हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल होता है। हमने इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, तो मैं बोल सकती हूं कि AB और EC भी आपस में सेम होगा। आगे लिखो सिंस ABCE इज अ पैरेललोग्राम, देयरफोर AB इक्वल EC, एंड ये क्या इंप्लाई करेगा, EC इक्वल CD इक्वल ED। क्लियर? ये वाला इसके इसके इक्वल था, और हमने इन दोनों को भी इक्वल कर दिया, दैट मींस इस ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में सेम हो गया। और ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में सेम होता है, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफोर ट्रायंगल ECD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। देयरफोर एंगल ECD कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बस ये हमने निकाल लिया 102, ये आ गया 60, दोनों को प्लस कर दो। देयरफोर एंगल BCD इज इक्वल टू 102 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 162 डिग्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, नंबर 4 क्या है, इन अ स्क्वायर एबीसीडी, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया, एबीसीडी आपका एक स्क्वायर है, डायगनल्स मीट एट ओ, जिसका डायगनल्स ओ पॉइंट पे मीट कर रहा है। क्लियर? आगे आपको क्वेश्चन में बोला गया पी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, बीसी पे आपको एक पॉइंट लेना है पी, जैसे कि मैंने लिया है
इस तरीके से लेना है OP इज इक्वल टू BP, ताकि OB और BP आपस में इक्वल हो जाए। क्लियर। BC पे एक पॉइंट P लेना है, इस तरह से लेना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में सेम हो जाए। आपको तीन प्रूविंग है, तीन चीज दिखाना है। पहला बोला गया एंगल POC, एंगल POC दैट मींस ये वाला एंगल, इसे आपको प्रूव करना है 22.5 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहला तो आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो देखो डायगोनल से रिलेटेड है, तो स्क्वायर का डायगोनल का क्या क्या प्रॉपर्टी था? कि वो आपस में इक्वल होता है, दूसरा वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, और तीसरा वो वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नंबर क्या है, मेरा नंबर है 4, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्लियर। ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, तो जिसका डायगोनल क्या करेगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, यानी एंगल बी ओ सी ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई? अब आओ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एंगल पीओसी, मुझे पीओसी को 90 दिखाना है। पीओसी आपका ये रहा, 90 बोल रही हूँ, सॉरी 22.5 दिखाना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उसके लिए हम इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल बीओपी। बीओपी की अगर मैं बात करूं तो बीओ और बीपी आपस में इक्वल है। बीओ इज इक्वल टू ओ बीपी। देयरफोर हमने पढ़ा है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल सेम होता है। यानी ये इंप्लाई करेगा एंगल BOP इक्वल होगा एंगल BPO के। ये दोनों एंगल आपस में सेम हो जाएगा। और ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, 45। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो स्क्वायर का डायगोनल है वो उसके वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, बाइसेक्ट करेगा तो 45। तो अब आ जाओ इन ट्रायंगल बीओपी, अब आ जाओ ट्रायंगल बीओपी में, तो ये वाला एंगल मेरा 45 है। 45 प्लस इन दोनों को एक्स एक्स लेट कर लो, 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिख लो एंगल बीओपी इक्वल एंगल बीपीओ इज इक्वल टू एक्स। यहां से अगर एक्स फाइंड आउट करोगे तो 180 में से 45 माइनस किया 135, 135 इज इक्वल टू 2/2, 67.5 डिग्री। क्लियर, 67.5 डिग्री आ गया मेरा। हमने ये वाले एंगल को 67.5 फाइंड आउट कर लिया। आपको ये निकालना है, अभी मैंने बताया कि ये टोटल है 90 में से अगर 67.5 माइनस कर दोगे तो एंगल आपका पीओसी एंगल आ जाएगा। कैसे निकालोगे? एंगल पीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री। अब आप पूछोगे कि ये वाला 90 कैसे आया, तो अभी मैंने बताया कि डायगोनल जो है स्क्वायर का 90 पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, माइनस कर लो 22.5 डिग्री आएगा। क्लियर, समझ में आई बात? नेक्स्ट आपको प्रूफ करने बोला गया है एंगल बीडीसी। एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 2 एंगल पीओसी। एंगल बीडीसी जो है वो पीओसी का ट्वाइस है। ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर रही हूं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो अभी मैंने बताया किसे प्रूफ करना है आपको, बीडीसी। बीडीसी मतलब ये, अभी मैंने बताया कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। सिंस डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, यहां लिख लो एंगल्स, देयरफॉर एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 90/2, दैट मींस 45 डिग्री, और 45 इसका ट्वाइस है, तो आप बोल सकते हो एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 2 into POC। समझ में आया कैसे किया हमने? सेम टू सेम तीसरा मुझे प्रूफ करना है एंगल बीओपी। एंगल बीओपी इज इक्वल टू थ्राइस एंगल पीओसी। तो अभी हमने बीओपी निकाला था, बीओपी एक्सलेट किया ना, कितना आया था 67.5। अभी हमने फाइंड आउट किया था तो आया था मेरा 67.5। लिखो एंगल
बीओपी इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। ये क्या है, ये आपका 3 टाइम्स है किसका, एंगल 22.5 का मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी एंगल बीओपी इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल POC, प्रूफ हो गया। क्लियर? देखो नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द गिवन फिगर शोज अ स्क्वायर एबीसीडी, एबीसीडी एक स्क्वायर है एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीपी, दैट मींस एबीसीडी एक स्क्वायर है और एपीबी एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला तो आपको निकालना है एंगल एओबी, नेक्स्ट आपको निकालना है बीपीसी, नेक्स्ट आपको निकालना है पीसीडी और नेक्स्ट आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल एपीसी। इतना कुछ मुझे फाइंड आउट करना है ना? कैसे करेंगे? तो अगर मैं बोलूं कि ये जो गिवन फिगर है उसमें एबी बीसी सीडी एडी एपी बीपी सब इक्वल हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे होगा। मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन में गिवन है आपको एबीसीडी एक स्क्वायर है और आपको पता है कि स्क्वायर का सारा साइड आपस में सेम होता है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर और नेक्स्ट मुझे गिवन है कि एबीपी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड एबीपी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है तो ए बी इक्वल होगा, बी सी इक्वल होगा, सी डी इक्वल होगा ए डी के, और इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी तीनों साइड सेम होता है तो ए बी बराबर होगा बी पी के और बी पी इक्वल होगा ए पी के, है ना। अब देखो ए बी साइड जो है वो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी आ रहा है, ए बी साइड जो है वो मेरा स्क्वायर में भी आ रहा है। सपोज करो अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी आपका स्क्वायर का भी साइड है, ए बी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर है दैट मीन सारा साइड 5 होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब ये दोनों भी 5 होगा, तो देखो सारा साइड आपस में सेम हो गया ना, यानी अगर एक साइड स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कॉमन रहे तो उसके सारा साइड आपस में सेम हो जाता है। कैसे इक्वल हो गया, समझ में आ गया? तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, दिस इंप्लाय ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी इक्वल ए पी इक्वल बी पी। समझ में आ गई बात? मुझे प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी देखो यहां पे है, इसे मुझे प्रूफ करना है, बोल रही हूँ सॉरी, फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे। तो ए ओ बी के लिए आपको किस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, ए ओ बी में ही आना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी में देखो ये वाला एंगल, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में आ रहा है, ये जो एंगल है ये आपका ट्रायंगल ए पी बी में आ रहा है, क्लियर, जो कि 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो आप देखो स्क्वायर ए बी सी डी में देखो बी डी एज अ डायगोनल वर्क कर रहा है और आपने पढ़ा है कि स्क्वायर के वर्टेक्स एंगल को डायगोनल बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर का हर एक वर्टेक्स एंगल 90 होता है, बाइसेक्ट करेगा तो 45, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 45। आगे आप क्या लिखोगे, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहां पे लिख देना ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड बी डी इज डायगोनल, क्लियर। दो एंगल मुझे पता चल गया, तीसरा फाइंड आउट कैसे करोगे, 180 से दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 45, 180 डिग्री माइनस 105 दैट मीन 75 डिग्री, फाइंड आउट हो गया मेरा 75। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करने बोला है बी पी सी, बी पी सी यानी ये वाला, अब ये वाला इरेज कर देती हूँ मैं वरना क्लियर नहीं होगा। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा बीपीसी ट्रायंगल में। अगर ये सब आपका हो गया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं बोर्ड इरेज कर देती हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमें किस पे आना पड़ेगा, ट्रायंगल बीपीसी में।
इन ट्रायंगल बीपीसी। अगर मैं बीपीसी ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल बीपीसी की बात करूं, तो देखो अभी मैंने बताया कि बीपी बीपी और बीसी आपस में सेम है। अभी मैंने बताया कि अगर एक स्क्वायर और अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड कॉमन रहे तो उनके सारे साइड आपस में सेम हो जाते हैं। तो अगर मैं बीपीसी ट्रायंगल की बात करूं तो बीपी इक्वल है, बीपी इक्वल है आपका किसके, बीसी के। बीपी और बीसी को हमने आपस में सेम कर दिया, इन दोनों को हमने आपस में सेम कर दिया। क्लियर क्लियर, ये दोनों साइड सेम हो गया। और ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड सेम होता है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट एंगल, दैट मींस जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी आपस में सेम होते हैं। मेरा बीपी और बीसी साइड सेम है, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा एंगल बीपीसी इक्वल होगा एंगल बीसीपी के। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता रहा तो मैं इसे 180 से माइनस करूंगी और 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा ईच एंगल निकल जाएगा। बट उसके लिए मुझे इतना पार्ट तो पता होना चाहिए। अब इतना पार्ट आप कैसे निकालोगे, तो इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। देखो एंगल इतना पार्ट निकालने के लिए आपको इस फुल में से इसे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। आपको पता है ये फुल एंगल भी है 90 डिग्री, बिकॉज ये स्क्वायर का एंगल है। आपको पता है कि एंगल सी बी ए या ए बी सी बोलो, वो मुझे पता है 90 डिग्री है। और एंगल पी बी ए ये भी मुझे पता है 60 डिग्री है, गिवन। और एंगल पी बी ए भी मुझे पता है 60 डिग्री है। ये फुल 90 है और ये 60 है। अगर 90 में से ये वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला पता चल जाएगा। यानी मैं लिखूंगी देयरफॉर एंगल सी बी पी, एंगल सी बी पी 90 माइनस 60, दैट मीन्स 30 हो गया काम। 180 से 30 को माइनस करो और 2 से डिवाइड करो, ईच एंगल आपका आ जाएगा। यानी एंगल बी पी सी मुझे निकालना है ना, बी पी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी 150 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 75 डिग्री। क्लियर हुआ कैसे निकाला, ये भी आ गया मेरा 75, ये भी आ गया मेरा 75। नेक्स्ट मुझे चाहिए पी सी डी, पी सी डी यानी ये वाला पार्ट है। इजी है, ये हमने 75 अभी फाइंड आउट किया है, क्योंकि ये भी 75 तो ये भी 75, दो अपोजिट साइड के एंगल्स है ना, अपोजिट साइड का सॉरी इक्वल साइड का, दो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल आपस में सेम होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये 75 तो ये भी 75, ये तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। आपको चाहिए पीसीडी, पीसीडी मतलब ये वाला पार्ट। इस टोटल में से 75 को माइनस करोगे तो पीसीडी आ जाएगा, टोटल है मेरा 90। तो ये वाला मैं यहीं पे कर देती हूँ, एंगल पीसीडी इज इक्वल टू 90 माइनस 75, दैट मीन्स 15 डिग्री। क्लियर, ये तीन आ गया। चौथा मुझे चाहिए रिफ्लेक्स एंगल एपीसी, उसके लिए मैं ये वाला इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल एपीसी। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, दैट मीन्स ये वाला एपीसी। ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट मुझे पता है 360 डिग्री। अगर मैं 360 में से ये वाला पार्ट, ये वाला माइनस कर दूं तो मेरा एपीसी आ जाएगा। और ये आपको पता है, ये हमने फाइंड आउट किया है ऑलरेडी। ये फिगर थोड़ा गंदा हो गया, ये वाला पार्ट अगर मैं इसे इरेज कर दूं, देखो इतना दूर का अभी हमने निकाला 75, इतना मुझे पता है 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है। तो इन दोनों को प्लस करोगे और 360 से माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो आप लिखो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री, माइनस करोगे तो 225 डिग्री आएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है। इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है
विथ एंगल ए इज इक्वल टू 67, जिसमें एंगल ए मुझे गिवन है 67, आपको फाइंड आउट करना। अच्छा आगे और क्वेश्चन है, इफ डीईसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, डीईसी ये वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल सीबीई, एंगल सीबीई, और नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है एंगल डीबीई। कैसे करेंगे? आपको क्वेश्चन में गिवन है एबीसीडी एक रॉम्बस है, तो रॉम्बस का प्रॉपर्टी लगाओ। रॉम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है? तो इसका जो अपोजिट एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है, और को इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों? सप्लीमेंट्री होता है। दैट मीन्स इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, यानी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, है ना? तो आप क्या लिखोगे? एबीसीडी इज अ रॉम्बस, ये आपका रॉम्बस है, देयर फोर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 67 डिग्री, एंड एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो ही का यूज करके आप ये वाला फाइंड आउट कर लोगे, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, यानी एंगल बी अगर मैं निकालना चाहूं तो 180 में से 67 माइनस कर दो, आ जाएगा आपका 113 डिग्री। अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है और दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, यानी अगर ये 67 है तो ये होल ये आ गया आपका 113 डिग्री, और ये भी हो गया मेरा 113 डिग्री। अच्छा, रॉम्बस की एक और प्रॉपर्टी थी, क्या पढ़ा था हमने? रॉम्बस का जो डायगनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी डायगनल कौन सा? डायगनल है आपका बीडी, यानी ये वाला और ये फुल, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट होगा। आप क्या लिखोगे? वर्टेक्स यानी बीडी बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। बीडी क्या करेगा? वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करेगा, देयरफोर एंगल आपका कौन सा एंगल? ये वाला और ये वाला नेम दे दो, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी 113 डिवाइडेड बाय 2, यानी 56.5 डिग्री होगा। क्लियर यहां तक निकल गया? अब आगे देखो, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एबीसीडी एक रॉम्बस है, रॉम्बस का सारा साइड आपस में सेम होता है, और दूसरा मुझे गिवन है कि डीसीई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में सेम होता है, यानी ये चारों आपस में इक्वल है और ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी उस हिसाब से ये फिगर का सारा साइड आपस में क्या हो गया बच्चों? सेम हो गया। क्लियर? क्योंकि रॉम्बस का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड कॉमन आ गया, दैट मींस आपका सारा साइड आपस में क्या हो गया? सेम हो गया। आगे लिखो, अगेन एबीसीडी इज अ रॉम्बस एंड डीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफोर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर डी ई बराबर ई सी। सारा साइड क्या हो गया बच्चों? आपस में सेम हो गया। अब मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं, अगर आप में से किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आगे देखो आप क्या करेंगे। अगर मैं बात करूं, मुझे फाइंड आउट करना है सीबीई ये वाला, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका किस ट्रायंगल में है? तो ये मेरा सीबीई ट्रायंगल में। और अगर मैं सीबीई की बात करूं तो देखो, ये वाला साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, और ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में इक्वल हो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल इन ट्रायंगल सीबीई ईसी इज इक्वल टू बीसी, है ना? ये दोनों आपस में इक्वल है, देयरफोर एंगल ई बी सॉरी सी बी ई एंगल सी बी ई इक्वल एंगल सी ई बी होगा, इक्वल एंगल सी ई बी होगा, इसे लेट कर लो एक्स। क्लियर? और तीनों को मिला के 180 होना चाहिए, इसे हमने एक्स लेट कर लिया,
इसे हमने x लेट कर लिया, ये कैसे निकालोगे? तो इजिली निकल जाएगा, ये अभी हमने 67 किया, अपोजिट एंगल, रोम्बस का अपोजिट एंगल आपस में सेम होता है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पार्ट है, यानी ये होगा 60, 60 प्लस 67 करोगे तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। एंगल ईसीबी अगर आप निकालो तो 67 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट मींस 127 डिग्री। बस अब इजिली आप x निकाल सकते हो, क्या करो इसे 180 से माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रही हूं, यहां पे क्या करोगे आप, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिवाइडेड बाय 2, माइनस करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3 और 7 में से 2 माइनस करोगे 5, 53 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12.5, 26.5 डिग्री। क्लियर, फाइंड आउट हो गया, ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया, ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट मुझे चाहिए डीबीई, डीबीई मतलब ये वाला पार्ट। क्लियर, देखो ये टोटल हमें पता है 56.5 और वो कहां से आया तो अभी मैंने बताया, ये पूरा है 113 है ना, 113, और रोम्बस का डायगोनल वर्टेक्स एंगल को डिवाइड करता है, तो 113 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 56.5। क्लियर, इतना दूर का पार्ट आ गया 56.5, इतना दूर का ये टोटल आ गया 56.5, और उसमें से ये पार्ट मुझे पता है। देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूं, ये टोटल है 56.5, उसमें से ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया, अगर टोटल में से इसे माइनस कर देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। एंगल क्या लिखोगे आप, नेक्स्ट ईबीडी या डीबीई जो बोलना चाहो, डीबीई इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये पूरा को क्या बोलोगे, सीबीडी, सीबीडी माइनस एंगल CBE, और ये अभी हमने निकाला 56.5 में से माइनस करो 26.5 तो आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर हुआ कैसे आया? नेक्स्ट देखो नंबर 7, नंबर 7 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आपको दो क्वेश्चन गिवन है, दोनों फिगर पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। पहला फिगर में क्या गिवन है, ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी आपको गिवन है 4x, ये मुझे गिवन है 3x माइनस 3, ये मुझे गिवन है 6y प्लस 2 और ये मुझे गिवन है 4y। आपको फाइंड आउट करना है x एंड y, बहुत इजी है, बस प्रॉपर्टी यूज करना है। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों, अपोजिट साइड इक्वल होता है ना। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफोर ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी डी के और AD इक्वल हो जाएगा BC के, यानी 4x इक्वल हो जाएगा 6y प्लस 2 के, इक्वेशन 1। यहां सॉल्व कर दो, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट आपका गिवन है 4x, इन दोनों को किया ना, नेक्स्ट मेरा 4y इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 3 के, यानी 4y माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 के। क्लियर, या फिर आप पहले x को भी लिख सकते हो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3x माइनस 4y इक्वल हो जाएगा 3 के, इक्वेशन 2। तो बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, आपका आंसर x और y आ जाएगा, और अब मैं इसे सॉल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जब हम कर रहे थे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तीन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन बाय इक्वेशन कोएफिशिएंट, तीनों हमने सीखा था तो वहां से आपको आता है, तो मैं फिर से इसे सॉल्व नहीं करूंगी, खुद से सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और आंसर आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपका जो भी डाउट है वो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था मेरा नंबर, क्या बोलूं,
नंबर टू देखो, नंबर टू कैसे करना है, तो नंबर टू आपका एंगल को लेकर है, इसी में मैं थोड़ा इरेज करके बता देती हूँ। नंबर टू इसे सॉल्व करना, और अगर कोई बच्चे से कोई भी डाउट होता है किसी बच्चे को, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। नंबर टू क्या है, वो भी आपका एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से। ये मुझे गिवन है 4x प्लस 20, ये मुझे गिवन है 7y, ये मुझे गिवन है 6x प्लस 3y माइनस 8। हमने पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल होता है बच्चों, वो आपस में सेम होता है। अगर ये 4x प्लस 20 है तो ये भी हो जाएगा 4x प्लस 20, साथ ही साथ जो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो दो इक्वेशन आपका इजिली बन जाएगा। पहला तो आप क्या लिखोगे, 4x प्लस 20 इज इक्वल टू पहला आप क्या लिखोगे, इन दोनों को इक्वल दिखा दो, अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल होगा, यानी 6x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 7y। पहला इक्वेशन तो ये बन जाएगा, 6x प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू 8। 8 को इस तरफ ले आओ, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। 2 कॉमन ले लोगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहला इक्वेशन ये बन गया। अगर दूसरा इक्वेशन आप बनाना चाहो, तो मैंने क्या बोला, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, यानी इन दोनों का सम भी आप 180 दिखा सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इन दोनों का सम भी 180 दिखा सकते हो। दूसरा मैं लिखूंगी 4x प्लस 20 प्लस 7y इज इक्वल टू 180। यहां से अगर मैं 4x प्लस 7y निकालना चाहूं तो 160 आएगा। इक्वेशन टू, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, x और y का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। क्लियर, तो मैंने यहां तक कर दिया है। इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तीन मेथड हमने सीखा है, किसी भी मेथड से कर सकते हो। आंसर जो भी आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना अगर कोई डाउट होता है, जहां तक होना नहीं चाहिए, बिकॉज हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में तीनों मेथड सीखा है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 8। नेक्स्ट देखो नंबर 8 क्या गिवन है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:4:5:6। आपको प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम में, आपको क्वाड्रिलेटरल के एंगल का रेशियो गिवन है 3:4:5:6। तो सबसे पहले आप सारा एंगल निकाल लो, अपने आप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे एक फिगर बना देती हूँ जो कि ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। क्लियर, लेट द एंगल्स बी 3x 4x 5x एंड 6x। क्लियर, रेशियो गिवन है तो हम एंगल लेट कर लेंगे। सबको प्लस करने से कितना आना चाहिए, 360, बिकॉज एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। यहां से फाइंड आउट कर लो, 6 4 10 10 5 15 16 17 18 18x = 360 डिग्री। यहां से x निकालोगे 20 डिग्री, यानी फर्स्ट एंगल नेम दे दो ए बी सी डी। यहां लिख लेना, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, ऐसे करके एंगल ए इज इक्वल टू 3x, तो कितना आ जाएगा, 3 × 20 60 डिग्री। क्लियर, यहां पे लिख लेना, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, बी इज इक्वल टू 4x, सी इज इक्वल टू 5x एंड डी इज इक्वल टू 6x। क्लियर, एंगल ए आ गया, एंगल बी कितना आ जाएगा बच्चों, 4 × 20 80 डिग्री। एंगल सी अगर मैं निकालू तो 5 × 20 100 डिग्री, और एंगल डी अगर मैं निकालूं तो 6 × 20 यानी 120 डिग्री। आपको क्या प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, और मैंने बताया था कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो दो साइड पैरेलल है यानी अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी एंगल ए और एंगल डी सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सिमिलरली एंगल बी और एंगल सी सप्लीमेंट्री होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, यानी ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री होगा और ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री होगा, को इंटीरियर एंगल। आप देख लो आपका आ रहा है कि नहीं, अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल डी निकाल रही हूं तो एंगल ए है मेरा 60, यहां निकाल देती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल डी अगर मैं निकाल रही हूं तो 60 + 120, हाँ आ रहा है 180। सिमिलरली एंगल बी
प्लस एंगल सी निकाल रही हूं तो 100 प्लस 80, ये भी आ रहा है 180 डिग्री। यानी मैं बोल सकती हूँ कि एबीसीडी क्या है, मेरा एक ट्रैपीजियम है। क्लियर? ट्रैपीजियम का जो दो साइड पैरेलल होता है उनके इंटीरियर एंगल क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट्री होने चाहिए। ठीक है, प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर 9। नेक्स्ट देखो नंबर 9 क्या है। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी मुझे एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए बी इज इक्वल टू 20, ये मुझे गिवन है 20। ए डी इज इक्वल टू 12, ये मुझे गिवन है 12। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर यानी ऐसा लाइन जो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मीट्स डी सी एट पॉइंट ई। एंगल ए का बाइसेक्टर डी सी को ई पॉइंट पे मीट करता है ऐसे, एंड बी सी प्रोड्यूस्ड एट एफ। और जब मैं बी सी को प्रोड्यूस करती हूं तो यही बाइसेक्टर उससे एफ पॉइंट पे जाके मीट हो जाता है। यह है मेरा क्वेश्चन। आपको फाइंड आउट करने बोला गया लेंथ ऑफ सी एफ, मुझे सी एफ का लेंथ फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो देखो आपको पहला तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एंगल ए का बाइसेक्टर यानी ये जो लाइन ए ई है, ए ई है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। लेट कर लो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। आप क्या लिखोगे? ए ई बाइसेक्ट एंगल ए, देयरफॉर एंगल डी ए ई इक्वल एंगल ई ए सी ई ए बी, सॉरी सी बोल दिया मैंने, ई ए बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ये हमने लेट कर लिया। अब कैसे करेंगे? अब देखो अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा। कैसे एक्स होगा? तो ए डी और बी सी, ये मेरा पैरेलल था, हमने बी सी को और आगे एक्सटेंड किया एफ पॉइंट तक, तो ए डी और बी एफ मेरा दोनों पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? मेरा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और वो आपस में सेम होता है। आप क्या लिखोगे? ए डी, सिंस ए डी पैरेलल बी एफ, देयरफॉर ए डी और बी एफ पैरेलल है और ए एफ आपका ट्रांसवर्सल है, यानी आप क्या बोल सकते हो? एंगल डी ए सी इक्वल एंगल डी ए सी इक्वल एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। अब आते हैं हम ट्रायंगल ए एफ बी में, इन ट्रायंगल ए एफ बी। अगर ए एफ बी का बात करूं मैं तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो एंगल इक्वल है, उसका दो, जो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल होता है तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होते हैं ना। इन ट्रायंगल ए एफ बी में देखो एंगल एफ ए बी, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एक्स आया है मेरा। एफ ए बी कितना आया है मेरा? एक्स आया है। और एंगल ए एफ बी, ए एफ बी भी कितना आया बच्चों? एक्स आया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये इंप्लाई करेगा कि इनके अपोजिट साइड यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा ए बी बराबर हो जाएगा बी एफ के, और ए बी बराबर बी एफ हो जाएगा मेरा। ए बी मुझे गिवन है 20, तो बी एफ भी हो जाएगा मेरा 20, यानी ये फुल लेंथ आ गया मेरा 20। और इतना दूर का पार्ट मुझे पता है 12। कैसे? क्योंकि पैरेललोग्राम है, अगर ये 12 है तो ये 12, तो ये आप इजिली निकाल लोगे। 20 में से 12 क्या कर दोगे? माइनस। देयरफॉर एफ सी इज इक्वल टू 20 माइनस 12, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। क्लियर? कैसे किया हमने? अब देखो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 10। अब देखो लास्ट सम नंबर 10 क्या है। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी मेरा एक पैरेललोग्राम है, एपी एंड एक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ए। ऑब्ट्यूज एंगल ए, ए का वर्टेक्स से हमने एक्यू और एपी दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर दैट मींस 90 डिग्री, यानी ये भी आपका 90 है और ये भी आपका 90 है, और इतना ये दोनों परपेंडिकुलर के बीच वाला ये मुझे गिवन है y और ये मुझे गिवन है x, दोनों का रेशियो मुझे गिवन है 2:1। आपको फाइंड आउट करने बोला है पैरेललोग्राम का एंगल। कैसे करेंगे? तो देखो x जो है वो आपका पैरेललोग्राम में आ रहा है, पैरेललोग्राम यानी ABCD का मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे?
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ले लो APCQ। APCQ क्या होगा, आपका एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा ये मैं बोल नहीं सकती, हाँ एक आपका नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होगा APCQ। और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। आप क्या लिखोगे, APCQ इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें चार एंगल होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी एंगल AQC प्लस एंगल Y, ये वाला होगा AQC, ये वाला होगा Y प्लस एंगल APC और ये वाला होगा X, ठीक है। ये चारों मिला के कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। अब AQC के प्लेस में मैं 90 लिख सकती हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर आपको गिवन है, 90 प्लस Y, इसके प्लेस में भी 90 लिख सकती हूँ, प्लस X इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी X प्लस Y यहां से निकालोगे तो 360 माइनस 180, दैट मींस 180 डिग्री आपका आ गया। आगे मुझे गिवन है X और Y का रेशियो 2:1, तो आप लेट कर सकते हो, एंगल A हो जाएगा आपका 2A और एंगल A बोल रही हूँ सॉरी एंगल X हो जाएगा आपका 2A और एंगल वाई हो जाएगा आपका ए। रेशियो मुझे गिवन है 2:1 का, यानी 2A और A, ठीक है। बस आप इजीली निकाल लोगे, 2A प्लस A हो जाएगा 180, यानी 3A हो जाएगा 180, यहां से A निकालोगे तो आएगा 60, यानी एंगल X हो गया 2 × 60 120 डिग्री और एंगल वाई हो गया आपका 60 डिग्री। काम अपने को सिर्फ एंगल X से है क्योंकि एंगल X जो है वो मेरा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में भी आ रहा था, APCQ क्वाड्रिलेटरल में भी आ रहा था और वो पैरेललोग्राम में भी आ रहा था। और पैरेललोग्राम का अगर आपको एक एंगल पता चल गया तो बाकी सारे एंगल आप इजीली निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, तो हमने क्या पढ़ा है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी अगर ये वाला आपका आया है, कितना आया है एंगल X, 120, अगर ये 120 है तो ये फुल भी होगा बच्चों 120 डिग्री। बस अब लिखना शुरू करो, एंगल DCB आया मेरा 120 डिग्री, एंगल DABB हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री और ये कैसे निकालोगे, 180 से माइनस करके। एंगल ADC अगर निकालोगे तो 120, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री और ये 60 तो ये भी 60, एंगल CBAB हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। क्लियर, तो इसी के साथ मेरा 14B यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 14C, जिसमें हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसके यूज से हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपने उस वीडियो को गलती से स्किप कर दिया है तो जाओ पहले प्रीवियस वीडियो को देख लो जहां पे मैंने सारे फिगर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, उसके बाद ही 14C में प्रोसीड करना। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, आपके लाइक करने से हमारा और ज्यादा हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और हमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक न्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।